हेलो दोस्तों, आज रिलीज हुआ है हमारे बॉलीवुड के बाहुबली और साउथ के सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम का ट्रेलर। राधे श्याम टाइटल हमें कहीं ना कहीं एक भगवान टाइप की फीलिंग देता है, लेकिन जब आप इस फिल्म का टीजर देखेंगे तो यह आपको पता चल जाएगा कि इस फिल्म के अंदर प्रभास भगवान तो नहीं है, लेकिन वह भगवान से कम भी नहीं है। उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां जरूर है जो उन्हें आम आदमी से ऊपर या उन्हें अलग बनाती है। फिल्म के टीजर को इंग्लिश में रिलीज किया गया है, लेकिन हमारी समझने में आसानी हो इसलिए डायलॉग्स को साथ में हिंदी में भी दिखाया गया है, क्योंकि डायरेक्टर जानते हैं प्रभास की हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। इस वजह से आपके उनके टीजर के अंदर कहीं कहीं आपको उनको डायलॉग के साथ इमोशन मैच होते नजर नहीं आएंगे। वैसे तो राधे श्याम सुनने में आ रहा है कि एक लव स्टोरी है, लेकिन जब आप इस टीजर को देखेंगे तो यह आपके दिमाग की बत्ती को एकदम से जला देगा, क्योंकि इस टीजर के अंदर आपको एक डर भी महसूस होगा, रोमांच भी लगेगा, सस्पेंस भी लग रहा है, और सबसे बड़ी चीज लव स्टोरी का सिंबल एक गुलाब जो पानी में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। टीजर के अंत होते होते आपको टाइटैनिक टाइप के फीलिंग भी आएगी, क्योंकि एक सीन ऐसा है जिसमें आपको समुद्र के अंदर टाइप कुछ चीज डूबती हुई दिखाई जा रही है। टीजर के अंदर प्रभास एक लाइन बोलते हैं कि ना मैं भगवान हूं और ना मैं तुम में से एक हूं। इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि प्रभास के पास फिल्म के अंदर जो कि वह विक्रमादित्य का रोल निभा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सुपर पावर्स है जिससे वह भविष्य का भी पता लगा सकते हैं या हो सकता है कि किसी के भी भविष्य को बदल सकते हैं। फिल्म का टीजर अपने आप में रोमांच पैदा करता है और ऑडियंस को फिल्म देखने के लिए क्यूरोसिटी जगाता है। यह फिल्म जनवरी में रिलीज होगी। हालांकि बॉलीवुड में बाहुबली के बाद प्रभास की आई फिल्म साहो का बहुत ज्यादा चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन उनकी स्टारडम के कारण उसका बॉलीवुड में मिक्स रिव्यू थे और लगभग उसने 125 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस किया था। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार यह राधे श्याम मूवी में प्रभास का वह चमत्कारिक प्रदर्शन वापस ऑडियंस के सामने नजर आएगा। फिल्म में प्रभास की हीरोइन है पूजा हेगड़े। तो यह थी बात आज रिलीज हुई राधे श्याम के टीजर के बारे में। जल्दी मिलेंगे नई किसी रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।